द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं करूंगा, जिससे कि आपको न्यूमेरिकली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। इसके पहले के वीडियो में मैंने डेफिनेशन और उसके टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट को एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को समझाने की कोशिश की थी। इस वीडियो में न्यूमेरिकल के थ्रू हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर दो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बीच का डेथ रेट कंपेयर करना है तो किस तरीके से करेंगे, या किसी एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में किन्हीं दो ग्रुप के बीच में अगर कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे और किस मेथड का यूज करेंगे और क्यों करेंगे। ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। ये कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पर दोनों मेथड को समझेंगे कि डायरेक्ट मेथड का यूज किस जगह पर करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड का यूज किस जगह पर करेंगे। हालांकि इसके पहले के लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ है कि डायरेक्ट मेथड का जो यूज है वो उस कंडीशन में करते हैं जहां पर एक्चुअल जो डेटा दिया हुआ हो वहां उसमें एज स्पेसिफिक डेथ हमें मालूम हो, ताकि उससे हम डेथ रेट कैलकुलेट कर पाए और जो कैलकुलेशन आए उससे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से हम पुल कर पाए। पहला ये हो गया डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम तभी यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड जब स्पेसिफिक डेथ हमें मालूम ना हो। तो जब स्पेसिफिक डेथ मालूम नहीं रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे कि स्पेसिफिक डेथ रेट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और फाइनली क्रूड डेथ रेट को ही उसमें कंसिडर किया जाएगा, और उसी के बेसिस पर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का यूज करते हुए मोर्टालिटी को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। तो यही कहलाएगा इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन या इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, इसमें हम एक टेबल पहले देखेंगे। यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल इन विच पॉपुलेशन एंड डेथ्स ऑफ टू कंट्रीज हैव बीन समराइज्ड। दो कंट्री हैं, इन दोनों कंट्री के पॉपुलेशन और उनके डेथ, कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अगेंस्ट में कितनी डेथ हुई है, ये समराइज किया गया है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कंट्री ए, साथ में ये देख रहे हैं एक्चुअल डेटा, और दूसरे जगह पर देख रहे हैं कंट्री बी, यहां पर देख रहे हैं हाइपोथेटिकल डेटा। तो कभी भी कहीं भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये हाइपोथेटिकल डेटा अगर दिया हुआ है तो हाइपोथेटिकल डेटा का मतलब होता है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल डेटा का मतलब ही स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होता है, और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए जब मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने डिफाइन किया था, उसमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का डेफिनेशन ही होता है कि ऐसा पॉपुलेशन जो कि हाइपोथेसिस, जिसकी मतलब जिस पॉपुलेशन को हाइपोथेटिकली डिफाइन किया गया हो कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन होगी और उस पॉपुलेशन के अगेंस्ट में कितनी डेथ होगी। तो यही है, ये डिफाइन किया गया है, हाइपोथेसिस ली गई है और इसी को स्टैंडर्ड पॉपुलेशन नाम दिया गया है। ये इंटरनेशनल लेवल पर अगर इस तरीके के अगर डेटा होंगे तो इंटरनेशनली ये सब जगह सेम होगा, अगर नेशनल लेवल पर डेटा होगा तो नेशनल लेवल पर कंट्री के स्टैंडर्ड पॉपुलेशन अलग भी हो सकते हैं। तो ये होगा, और ये जो कंट्री बी है, ये कंट्री बी एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसमें जहां की पॉपुलेशन को स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन करके डिफाइन किया गया है। तो स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन एंड उसके अगेंस्ट में डेथ। यहाँ पर कंट्री ए में मेल और फीमेल ये दो दिए हुए हैं, मेल का डेटा कुछ इस तरीके से और फीमेल का डेटा इस तरीके से है, और इनकी जो एज ग्रुप है वो 20 से स्टार्ट होता है और 75 प्लस तक जाता है। तो यहाँ पर एक पहले स्टार्ट करने से पहले जो आप जो इसके आगे जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे, क्वेश्चन तो दिए हुए होंगे बट टेबल को देख करके उसके डेटा में अंदर में क्या दिया हुआ है उस टेबल को ऑब्जर्व भी करने का आपको एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ इस जो मोर्टेलिटी होती है वो एडल्ट एज ग्रुप में या फिर एडल्ट से पहले वाली जो ग्रुप है उसमें भी जो मोर्टेलिटी होती है वो कम होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी यू कहें कि ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन जो होता है उसमें मोर्टेलिटी का रिस्क ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये एडल्ट का एज ग्रुप है, आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ओल्ड एज पॉपुलेशन होता जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस 60 से 70 वाले एज ग्रुप में मैक्सिमम है 15 मेल के कंडीशन में, और ये 75 प्लस में 200 का पॉपुलेशन है, बट यहाँ पर जो डेथ है वो डेथ भी मैक्सिमम हो रही है जो इन दोनों की ग्रुप के कंपैरिजन में। सिमिलरली यहाँ फीमेल भी आप देख रहे हैं, तो फीमेल में जो ये कम वाले एज ग्रुप में कम डेथ हो रही है, बट जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डेथ भी मैक्सिमम हो रही है। तो ये जो क्रूड डेथ रेट भी अगर हम निकालेंगे तो क्रूड डेथ क्या होगा, क्रूड डेथ मैक्सिमम जिसका वेट होगा, जो मतलब जहां पर वेट ज्यादा हो रही है भी उस वाले एज को
उस वाले पर्टिकुलर एज ग्रुप में वेट ज्यादा ले लेगा, और इसी वजह से जो क्रूड डेथ रेट भी अगर निकालेंगे तो क्रूड डेथ रेट इसकी वजह से मैक्सिमम आएगा। हालांकि क्रूड डेथ रेट यहाँ पर मतलब इनकी वजह से तो कम होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि एक एक्सट्रीम वैल्यू होता है, मतलब अगर डेथ को देखा जाए तो एक्सट्रीम डेटा है डेथ के बेसिस पर, इस वजह से इसका जो क्रूड डेथ रेट है वो मैक्सिमम होगा इसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से। और दूसरी चीज और मैं बता दूं कि क्रूड डेथ रेट जो होता है वो क्रूड डेथ रेट रोबस्ट मेजर होता है, और उस क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर हम दो पॉपुलेशन को या दो ग्रुप को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहां से एज स्पेसिफिक डेथ रेट ही कैलकुलेट करेंगे। ये तो टेबल है, और टेबल के आगे में हम जो करने वाले हैं वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। कंप्यूट द फॉलोइंग डेमोग्राफिक मेजर्स, ये डेमोग्राफिक मेजर्स हैं, इनको कंप्यूट करना है। फर्स्ट है क्रूड डेथ रेट, इसको कैलकुलेट करना है उस टेबल से। दूसरा है एज स्पेसिफिक डेथ रेट, उसी टेबल से एज स्पेसिफिक डेथ रेट को कैलकुलेट करना है। तीसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन डेथ स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ ए कंट्री। तो ये जो तीसरा है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को भी यूज करना है और इनडायरेक्ट मेथड को भी यूज करना है, और इन दोनों मेथड को यूज करते हुए स्टैंडर्डाइजेशन करना है, और तब हमें मालूम करना है कि किस ग्रुप में मैक्सिमम मोर्टालिटी हो रही है और दूसरे वाले किस वाले ग्रुप में मिनिमम मोर्टालिटी हो रही है। तो कंपेरिजन करने के लिए पहले ही बताया कि दो तरीके का सिचुएशन हो सकता है, या तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ में कंपेयर करना कि किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में मोर्टालिटी का क्या स्टेटस है, पहला ये हो गया। और दूसरा क्या होगा कि किसी एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में दो ग्रुप में क्या मोर्टालिटी का स्टेटस है, जैसे कि मेल और फीमेल में क्या स्टेटस है। तो कंट्री वहां पर ए था और कंट्री बी था, तो कंट्री ए में ही दो ग्रुप है और उन्हीं दोनों ग्रुप को आपस में कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन विच वाज डिफाइंड ऑन इन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट टेबल। तो उस टेबल को भी हम दोबारा देखेंगे अभी, ये इतने कैलकुलेट करने हैं। और ये फोर्थ नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है वेदर एनी सिमिलैरिटी इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में कोई सिमिलैरिटी भी है क्या, ये भी हमें टेस्ट करना है, हमें पता करना है। तो ये टोटल फोर टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इन फोर को हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे और उसको कैलकुलेशन करने का हम मेथड भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पर कैलकुलेट करना है। मैं इतना श्योर हूं कि इतना सारा देखने के बाद आप स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट से आप बिल्कुल फेमिलियर हो चुके होंगे और आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, फुल कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं जो जितनी चीजें वहां पर पूछी गई थी उसको यहां पर पहले ही स्लाइड में डिफाइन किया गया है कि क्रूड डेथ रेट फर्स्ट क्वेश्चन था, क्रूड डेथ रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 इन मिड ईयर पॉपुलेशन होता है, तो 1000 ये 1000 जो है वो रेडिक्स होता है, कई बार भी बताया हुआ है। तो टोटल जितनी डेथ हुई है उन टोटल डेथ को हम सम कर देंगे, और दूसरा जो टोटल पॉपुलेशन है हर दोनों अलग अलग ग्रुप में उन टोटल पॉपुलेशन को सम कर देंगे, डिवाइड करेंगे, इस फॉर्मूला में रखेंगे, जो भी आंसर जो भी आएगा वो क्रूड डेथ रेट होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उस पर्टिकुलर मेल ग्रुप के लिए और उस पर्टिकुलर फीमेल ग्रुप के लिए। ओके, ये हो गया। और दूसरा हो जाता है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। तो एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अगेंस्ट में कितनी डेथ हुई है, तो उन्हीं दोनों के इवेंट को उन्हीं दोनों के जो डेथ का स्टेटस है वहीं से हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं और उस एज ग्रुप में हमें डेथ का क्या स्टेटस है मालूम चल जाता है। तो ये एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो जाएगा NDX, ये इसका मतलब ही हुआ डेथ बिटवीन एज x टू x प्लस n, ये और उस टोटल उस जो जिस ग्रुप में डेथ हुई है उस ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, तो हमें मालूम चल जाता है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। तीसरा हो जाता है डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हम तभी यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक डेथ हमें उस पॉपुलेशन ग्रुप की मालूम हो, तो स्पेसिफिक डेथ भी हमें मालूम है क्योंकि उसमें दिया हुआ है टेबल में, और वहां पर हम ये फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इंटू जो टोटल जो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इंटू डेथ मतलब डेथ रेट और डिवाइडेड बाई टोटल जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है या फिर जो
लिखा हुआ था हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का टोटल, वही यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो dx है, ये dx है एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर पर्टिकुलर एज ग्रुप, ये हो गया। इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करेंगे कि स्पेसिफिक डेथ हमें मालूम नहीं होता, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर स्पेसिफिक डेथ हमें मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे कि क्रूड डेथ रेट को हम लेंगे और क्रूड डेथ रेट को स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के बेसिस पर पुल आउट करेंगे, और तभी हमें मालूम चल पाएगा कि जो जो डेथ का एक्चुअल जो सिनारियो है वो क्या है, और तभी हम दोनों ग्रुप में इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिस पर कंपेयर कर पाएंगे कि किस ग्रुप में डेथ मैक्सिमम हो रही है और किस ग्रुप में मैक्सिमम जो डेथ है वो मिनिमम हो रही है। तो इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीडीआर, यहाँ पर भी सीडीआर लिखा होगा, यहाँ पर भी सीडीआर है, तो सीडीआर ये वाला जो सीडीआर है वो एक्चुअल जो पॉपुलेशन दिया हुआ है उस पॉपुलेशन का सीडीआर है, और ये जो सीडीआर है वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का सीडीआर है। तो सीडीआर ऑफ क्रूड डेथ रेट ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन इनटू क्रूड डेथ रेट ऑफ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन या स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ये हो जाएगा, और इसी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का ये एसडीआर होगा उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, और इनटू यहां पर देख रहे हैं पीएक्स, तो पीएक्स क्या है, एक्चुअल पॉपुलेशन का उस एज ग्रुप में, सॉरी उस ग्रुप में जो कि स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है, उस स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का जो किसका स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट ऑफ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट इनटू उस जो इस वाले ग्रुप में जो एक्चुअल में जो ग्रुप में जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन को यहां पर रखा जाएगा। तो टोटल इसको सम को इसके मल्टीप्लीकेशन को सम को किया जाएगा और यहीं से जो निकल के आएगा वो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट होगा, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। तो ये फोर टाइप के फॉर्मूला यहाँ पर यूज होंगे, अभी आपको ये सभी समझ में आ जाएगा जब न्यूमेरिकल हम देखेंगे सॉल्व करेंगे। नाउ वो टेबल फिर से आ गया, पहले क्या था क्वेश्चन, क्रूड डेथ रेट को फाइंड आउट करना। तो क्रूड डेथ रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टोटल पॉपुलेशन है, अगर मेल की बात करें मतलब हमें मेल को भी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, फीमेल को भी कैलकुलेट करना होगा और बोथ सेक्स को भी कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर दोनों सेक्स की बात हो रही है। फीमेल के केस में हमारे पास पॉपुलेशन दिया हुआ है और उसके डेथ दिए हुए हैं, तो पॉपुलेशन ये हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर 2200 होगा, और डेथ जो है वो सम करेंगे यहाँ पर 46 डेथ हो गई। तो क्रूड डेथ रेट क्या होगा, टोटल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, तो जो भी आएगा वो कहलाएगा क्या, क्रूड डेथ रेट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है 20.91, ये क्रूड डेथ रेट होगा, उसी फॉर्मूला के बेसिस पर होगा, फॉर्मूला को पहले डिफाइन कर दिया गया है। अब एज स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो इस वाले ग्रुप में, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, इधर आ जाता हूं मैं, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 900, और इस 900 में जो डेथ हो रही है वो कितनी हो रही है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 1000, तो ये स्पेसिफिक डेथ रेट पर 1000 क्या आ जाएगा 6.67, सिमिलरली 3.75, सिमिलरली 50, सिमिलरली 110। इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्पेसिफिक डेथ रेट 6.67 होगा, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में 3.75 होगा, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में 50 होगा, और इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में 110 होगा। ये तो होगा मेल के लिए, उसके बाद फीमेल के लिए भी हमें देखेंगे, तो फीमेल का पॉपुलेशन ये है और उसकी डेथ ये है, तो टोटल डेथ यहाँ पर आ जाएगा 54 और डिवाइडेड बाई 2600 इंटू 1000 करेंगे, ये आ जाएगा क्रूड डेथ रेट ऑफ फीमेल। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर एक एक कॉलम मतलब इसमें ऐड कर दिया है इसके स्पेसिफिक डेथ रेट को और क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला ऊपर वाले स्लाइड में डिफाइंड है। यहाँ पर सिमिलरली ये क्रूड स्पेसिफिक डेथ रेट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है तो ये 1.25 हो जाएगा पर 1000, सिमिलरली 6.25, 20 एंड 76। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि जो इस जो डेथ रेट है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे जो स्पेसिफिक डेथ रेट मैक्सिमम होती जा रही है। यहाँ पर भी ये 110 पर 1000, 50 पर 1000, ये दोनों एडल्ट से ऊपर बढ़ करके ओल्डेस्ट पॉपुलेशन की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं, मेल के भी केस में और फीमेल के भी केस में। तो फीमेल के भी केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 76 है। बट आप ये क्या देख रहे हैं कि जो क्रूड डेथ रेट है, क्रूड डेथ रेट 20.91 है और 20.77 है, ये मेल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के केस में जो
क्रूड डेथ रेट है वो क्रूड डेथ रेट है लमसम इक्वल है, इसको इक्वल ही कह सकते हैं 20.91 और 20.77। मतलब इसमें हम अगर ऐसे कहा जाए, अगर कोई अगर कहे कि दोनों में मोर्टलिटी का क्या स्टेटस है, तो क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर अगर हमने ये एस्टिमेट निकाल दिया कि दोनों जगह की जो मोर्टलिटी का स्टेटस है वो सेम है, मतलब दोनों जगह मोर्टलिटी इक्वल है, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एज वाइज इसका फ्लक्चुएशन मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, इस मैक्सिमम एज ग्रुप में मैक्सिमम डेथ हो रही है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जब हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि किस एज ग्रुप में, मतलब किस पॉपुलेशन, किस वाले ग्रुप में मोर्टेलिटी हो रही है और मोर्टेलिटी कितनी हो रही है। अब आते हैं बोथ सेक्स पर। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल डेटा है, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, या इसको हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ये हो गया और उसके अगेंस्ट में डेथ ये हो गया। अब ये चाहे किसी भी टेबल में दिया हो, चाहे किसी भी कंट्री के लिए भी कर रहे हो, अगर कंट्री का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है तो उस कंट्री और इसके अगेंस्ट में जिस किसी भी कंट्री को कंपेयर करना हो तो उसके डेटा तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर किसी कंट्री के लिए ये जो पॉपुलेशन का साइज है वो सेम रहेगा और इसके अगेंस्ट में जो डेथ हो रही है वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ से ये दो चीजें तो हमें दी हुई है, यहाँ से हम स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कहें या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहें, इसका हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका टोटल क्रूड डेथ रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ऑफ दैट पॉपुलेशन, ऑफ दैट हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यहाँ पर ये है, इसका डेथ ये है और इसका स्पेसिफिक डेथ रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 2.176/1300 एंड इससे यहाँ पर 2500 डिवाइडेड बाई 140,000 इंटू 1000 करेंगे तो ये 17.86 आ जाएगा पर 1000। तो इसके बेसिस पर आपको ये मिल गया कि क्रूड डेथ रेट क्या है और एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है, जो कि इसके ऊपर में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्रूड डेथ रेट और एज स्पेसिफिक डेथ रेट ये कैलकुलेट करने के लिए भी दिया हुआ था। यहां क्रूड डेथ रेट एंड एज स्पेसिफिक डेथ रेट, तो ये आपने उस टेबल में देख लिया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ कंट्री ए, ये दोनों के लिए इसी सेम कंट्री में मेल और फीमेल इन दोनों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करना है। ये हमने देख लिया, यहां क्रूड डेथ रेट जो था, क्रूड डेथ रेट मेल के लिए 20.91 था, फीमेल के लिए 20.77 था, एंड जो बोथ सेक्सेस मतलब जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन था उसके लिए 17.86 था, ये हमने नोट कर लिया। एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स हैव बीन समराइज्ड इन द टेबल में समराइज किया हुआ है। नेक्स्ट डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ही है, ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट इज इक्वल टू समेशन एक्स पीएक्सएस इनटू डीएक्स डिवाइडेड बाय पीएक्सएस, और ये क्या है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इनटू स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ दैट एक्चुअल डेटा। मेल के लिए मेल रेट यहां पर लिखा हुआ है ना डीएक्स, डीएक्स क्या है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में 6.67 ये स्पेसिफिक डेथ रेट है और उस इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो पहला वाला एज ग्रुप है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये 60,000 का स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का साइज है प्लस 3.75 इंटू 45,000, तो 3.75 उसके नेक्स्ट वाले एज ग्रुप में स्पेसिफिक डेथ रेट है और इंटू ये जो पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है उसका साइज है। इसके बाद 50 एज स्पेसिफिक डेथ रेट है 50 इंटू 20,000 ऑफ दैट हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन और 110 ये एज स्पेसिफिक डेथ रेट है उसके आगे का पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो कि 75 प्लस वाला था और इंटू उसके अगेंस्ट में हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कितना है 15,000। इन दोनों को कैलकुलेट करके जब आप सर जब और डिवाइडेड बाई यहां पर ये हो जाता है 140,000, ये टोटल जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जो टोटल है वो टोटल ये वाला यहां पर ये है,
इसको जब आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 22.99 डेथ पर 1000 आता है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 23 डेथ पर 1000 कर सकते हैं। तो 22.99 का मतलब 23 डेथ पर 1000 ये हो रही है, और जिसके बेसिस पर ये आपको मालूम चल पाया कि जो डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो 23 डेथ हो रही है पर 1000 किसमें, मेल ग्रुप में। ये जो आपने देखा इसको मैं टेबल में एक बार दिखाता हूं, ये मैं फिर से दिखाता हूं। ये 6.67 है इंटू 60,000, 3.75 इंटू 45,000, 50 इंटू 20,000 एंड 110 इंटू 15,000। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया उस फॉर्मूला के बेसिस पर, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन या स्टैंडर्ड या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेथ रेट निकलेगा किसे, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए मेल के लिए। सिमिलरली फीमेल के लिए निकालेंगे तो फीमेल का स्पेसिफिक डेथ रेट ये है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, एज स्पेसिफिक डेथ रेट इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में यहां पर 6.25 है, और इन्हीं दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 140 कर देंगे, वो 1,40,000। तो हमें जो मिलेगा वो फीमेल का स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट मिलेगा। यहां सिमिलरली फीमेल रेट 13.54 डेथ्स पर 1000, इसी के बेसिस पर फीमेल का भी कैलकुलेट करेंगे तो 13.54 डेथ पर 1000 मिलता है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्रूड डेथ रेट मेल का और फीमेल का दोनों का 20.91 और 20.77 ये मेल और फीमेल का था, बट स्टैंडर्डाइज जब किया तो पता लगा क्या कि मेल का जो डेथ रेट है वो 23 है और फीमेल का 13 है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है, मतलब 7 का डिफरेंस आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि मेल का जो मोर्टेलिटी स्टेटस है फीमेल का मोर्टेलिटी स्टेटस से ज्यादा है, या यूं कहें कि फीमेल का जो मोर्टेलिटी लेवल है वो कम होता है मेल के मोर्टेलिटी लेवल से। और ये ग्लोबली इसको रिसर्च भी किया गया है कि फीमेल में मोर्टेलिटी का लेवल कम होता है। तो ये हमें एक्चुअल हमें मालूम चल पाया कि उसी पर्टिकुलर कंट्री ए में जो दो ग्रुप है फीमेल और मेल, तो फीमेल में मोर्टेलिटी लेवल कम है और मेल में मोर्टेलिटी लेवल हाई है। तो यहां से डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिस पर ये निकल आया। नाउ इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, तो इनडायरेक्ट वाले में क्या करते हैं कि हमें स्पेसिफिक डेथ रेट हमें मालूम नहीं हो पाता, जिससे कि उसके एक्चुअल डेटा के क्रूड डेथ रेट को ही हम उसमें यूज करते हैं और बाकी का काम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के डेटा के बेसिस पर हम करते हैं। यहां पर ये देख रहे हैं फिर से फॉर्मूला लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन सीडीआर, ये वही एक्चुअल डेटा का सीडीआर है क्रूड डेथ रेट, और ये जो सीडीआर है वो हाइपोथेटिकल डेटा का सीडीआर है। तो दोनों सीडीआर का सम डिवाइडेड बाय ये जो पीएक्स है वो पीएक्स एक्चुअल डेटा का पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, और उसी पर्टिकुलर एज ग्रुप का स्पेसिफिक डेथ रेट है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इससे जब आप कुल करेंगे एड करते हुए जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा मेल और फीमेल के लिए दोनों क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से डेथ रेट को प्राप्त करना। तो ये होगा यहां पर सीडीआर कितना था 46, यहां 46 नहीं होगा सॉरी, ये 20.91 था इंटू 17.86, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और जो 900 है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, ये 800 है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, 300 है पर्टिकुलर एज ग्रुप में, और 200 है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, और ये 2.17 है ये एसडीआर ऑफ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन इन द फर्स्ट एज ग्रुप, सेकंड वाले एज ग्रुप में ये 6 है, थर्ड वाले में 30 है, और लास्ट वाले में 100 है। इसको जो आप कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करेंगे 22.98 आएगा, या यू कह सकते हैं ये भी आएगा 23 पर 1000। तो इनडायरेक्ट मेथड से भी ये आ जाएगा। यहां इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं,
ये 46 मैंने टोटल डेथ को लिख दिया था, बट ये टोटल डेथ नहीं है। यहां से कैलकुलेट करके अभी इसके पहले एक्सप्लेन जब किया तो ये माइंड में है 20.91 है क्रूड डेथ रेट। इस क्रूड डेथ रेट को इस क्रूड डेथ रेट से मल्टीप्लाई किया गया, एक्चुअल डेटा के क्रूड डेथ रेट को हाइपोथेटिकल डेटा के क्रूड डेथ रेट के साथ मल्टीप्लाई किया गया डिवाइडेड बाई, चूंकि एज वाइज हमें डेटा मालूम होता ही नहीं है, हम इसमें ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमें पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है वो हमें मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करेंगे और इस क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करते हुए हाइपोथेटिकल डेटा के भी क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करेंगे और साथ साथ में इसमें इस ग्रुप में हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी है और इस पर्टिकुलर ग्रुप में कितनी डेथ हो रही है। तो इस वाले ग्रुप में जो भी पॉपुलेशन जो भी कैलकुलेट होकर के आया ये वाला डेथ रेट इनटू ये एक्चुअल पॉपुलेशन, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो आपका ये हो जाएगा दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाई 900 इनटू 2.17 प्लस 800 इनटू 6 प्लस 300 इनटू 30 प्लस 200 इनटू 100 ये सम करेंगे ये डिनोमिनेटर में होगा और ये न्यूमरेटर में तो है ही है। तो इसके बाद जब कैलकुलेट करके फाइनली रिजल्ट आप देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट मेथड यहां पर ये 46 नहीं है 20.91 है, ये मेल के लिए है तो 22.98 आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली फीमेल के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 11.48 हो जाता है 11.48 डेथ पर 1000। तो सिमिलरली ये कैलकुलेट हो गया और यहां इस मेथड से भी आपको क्या दिख रहा है कि फीमेल के अंदर में इनडायरेक्ट जो सॉरी फीमेल के अंदर में भी जो मोर्टेलिटी का लेवल है वो कम है और मेल का जो लेवल है वो मैक्सिमम है इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए भी, तो ये निकल आया। और लास्ट वाला जो क्या था ऑप्शन क्वेश्चन whether any similarity in the direct and indirect standardization, जो आपको ये सिमिलैरिटी दिखाई दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए जो मेल में 23 दोनों चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो दोनों में 23 आया, ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि ये होता है, अदरवाइज वैल्यूज हमेशा अलग अलग ही आती है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों का जो मेथड हो दोनों मेथड से एक ही वैल्यू आए एक ही रिजल्ट आए। यहां पर उस पूरे रिजल्ट को समराइज किया गया है इस टेबल में, ये सेक्स है मेल एंड फीमेल उस पर्टिकुलर कंट्री ए के लिए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो मेल का डायरेक्ट मेथड में 22.99 डेथ पर 1000 आया और इनडायरेक्ट मेथड से 22.98 आया पर 1000, अप्रोक्सीमेटली ये 23 कह सकते हैं इसको। फीमेल के लिए डायरेक्ट मेथड से 13.54 आया और इनडायरेक्ट मेथड से 11.48 आया। तो ये एक समरी रिजल्ट हो गया और ये दिस सिमिलैरिटी इन द बोथ रेट्स इज कोइंसिडेंटल, ये जो रेट आ रहा है लगभग इक्वल है वो कोइंसिडेंटल कह सकते हैं कि कोइंसिडेंटल ये बराबर नहीं होता, ये दोनों मेथड से इक्वल नहीं आता, अगर ऐसा आता है तो ये कोइंसिडेंटल है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, तो इंटरप्रिटेशन में जो ये आगे लिखी हुई चीजें ये सभी मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर राइटअप में लिखा हुआ है द क्रूड डेथ रेट फॉर मेल 20.91 एंड फीमेल 20.77 आर वेरी क्लोज बट दीज मेजर्स मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर कंपैरिजन, ये दोनों आपस में क्लोज हैं बट चूंकि क्रूड डेथ रेट जो होता है वो रोबस्ट मेजर देता है ये कंपैरिजन में यूजफुल नहीं होता है, इस वजह से हम इसको कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तभी स्टैंडर्डाइजेशन करने की यूज पड़ेगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अब डिपेंड करता है कि उस डेटा में स्पेसिफिक डेथ दिया हुआ है या स्पेसिफिक डेथ दिया नहीं हुआ है, तो अगर स्पेसिफिक डेथ दिया हुआ है तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए आगे बढ़ जाना, अदरवाइज अगर इनडायरेक्ट मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, या क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि पर्टिकुलर किस मेथड को यूज करते हुए करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे है ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन आर फाउंड इन द ओल्डर एज ग्रुप्स विदर वेयर द मोर्टेलिटी रेट्स आर हायर, उस टेबल में जो ग्रेटर जो ओल्डर एज ग्रुप है उस ओल्डर एज ग्रुप में जो मोर्टेलिटी है वो हाई हो रही है उस टेबल में और इस वजह से मोर्टेलिटी रेट वहां की हाई है। द क्रूड डेथ रेट गिव्स मोर वेट टू दिस
लार्जर सब ग्रुप, उस लार्जर सब ग्रुप को जो मैक्सिमम वेट दे देता है, और इसी की वजह से जो क्रूड डेथ रेट है वो मैक्सिमम आता है। पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी जो डेथ हो रही है उसके सिनेरियो हमें पता चल ही नहीं पाता। ये हो गया, ये वाला लाइन तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बनेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो मोर्टेलिटी का लेवल है वो जो महिलाओं में मोर्टेलिटी का लेवल है वो पुरुषों से कम होता है। ग्लोबली मोर्टेलिटी रेट्स फॉर फीमेल्स आर जनरली लोअर देन फॉर मेल्स। मेल का हाई होता है और फीमेल का मोर्टेलिटी लेवल कम होता है। तो क्वेश्चन को भी जब आपने सॉल्व किया तो ये क्या देखा कि मेल में चाहे वो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया गया हो चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया गया हो 23 आया, बट फीमेल के केस में ये 13 और 11 हो गया। कम था। व्हेन एज स्टैंडर्डाइजेशन आर कंपेयर्ड द लोअर डेथ रेट्स फॉर वुमेन आर क्लियर। जब स्टैंडर्डाइजेशन आपने किया तो आपको ये पता लग गया कि वुमेन का जो डेथ रेट है वो एक्चुअली में इक्वल नहीं है, मतलब मेल के स्टैंडर्ड मेल के डेथ के बराबर नहीं है बल्कि उससे कम है। डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से ये रिजल्ट आया और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से ये रिजल्ट आया। यहाँ पर रिजल्ट भी लिखा हुआ है फिर से दोबारा, 23 डेथ्स पर 1000 फॉर मेन एंड वुमेन के लिए 13.54 डेथ्स पर 1000, और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में मेन 23 डेथ्स पर 1000 और वुमेन में है 11.48 डेथ्स पर 1000। तो ये टोटल इस तरीके से मैंने समझाया यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, वो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको अच्छे से गेन किया होगा। वीडियो को पॉज करके आप टेबल को लिख सकते हैं और उसके बाद अपने खुद से भी उसको कॉन्सेप्ट को समझ करके जब आप पेन पेपर पर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेल में भी डेटा को फीड करके फॉर्मूला बेसिस पर सॉल्व करके देख सकते हैं और उसके रिजल्ट को खुद से अपने वर्ड में इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। इस तरह के दूसरे क्वेश्चन भी आप बुक में देख सकते हैं और बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करने के इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझाया जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों मेथड को एक ही क्वेश्चन के अंदर में मतलब इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट गेन किया होगा। तो बने रहिए द स्कॉलर्स ग्रुप YouTube चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए और कि आपका मेरे चैनल पर कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जितना ज्यादा हो सके आप चैनल को दूसरे एस्पिरेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। मेरे इस लेक्चर में वीडियो के अंत तक आपका बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।